देवभूमि उत्तराखंड का पहाड़ी राज्य होने के नाते देश की प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जो है आयुर्वेद। वो इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरता ये राज्य अपने अंदर न जाने कितने रोगों का इलाज जड़ी बूटियों के रूप में रखता है। वैद्य चंद्र प्रकाश कैंसर रिसर्च फाउंडेशन वैसे तो लंबे समय से आयुर्वेद के क्षेत्र में नई खोज करता रहा है, लेकिन अब फाउंडेशन के फाउंडर वैद्य बालेंदु प्रकाश और उनकी धर्मपत्नी और बेटी हिमालय में छुपी गुणकारी जीवनदायिनी जड़ी बूटियों की खोज में लगे हैं। उनका जड़ी बूटियों के प्रति प्यार उन्हें टिहरी गढ़वाल के सीमांत गाँव गंगी ले जा पहुँचा, जहाँ उन्हें कूट और कुटकी नाम की बूटियों के लिए अनुकूल मौसम और भौगोलिक स्थिति मिली। 20 साल से इस काम को देख रहा हूँ और आखिरकार पिछले 3 साल में जब गंगी में मैं गया तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी भरसक लिप सपोर्ट हो सकती थी, और एक दिन उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी दिया मुझे वहां जाने के लिए। वैसे तो मैं पैदल जाता रहा, परंतु सरकार से इसमें एक पैसे की भी मदद नहीं मिली। उल्टे जो हमने पौध खरीदी उसके लिए भी हमको पैसा ही देना पड़ा, चाहे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से देना पड़ा। सरकार से इसमें कोई मदद नहीं मिली है। हाँ, सरकार की बातें रोज होती हैं, जड़ी बूटी राज्य, जड़ी बूटी राज्य, जड़ी बूटी राज्य, पर अभी तक हकीकत के तौर पर कुछ नहीं। बालेंदु बताते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड राज्य बनने के कई साल बाद भी अभी तक आयुर्वेद की दिशा में किसी भी सरकार द्वारा कोई ठोस और मजबूती देने वाला कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते उन्होंने खुद से किसानों को जागरूक कर उन्हें जड़ी बूटी उगाने के लिए बीज और पौधे उपलब्ध करवाए। उनका कहना है कि कुछ सालों में उस गांव की आमदनी 10 से 15 करोड़ की हो सकती है बिना किसी सरकारी मदद के। उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें अलग अलग तरह की जड़ी बूटी अलग अलग जगह पे होती है, तो मैंने एक गंगी गांव नाम के गांव को चुना जो कि उत्तराखंड का आखिरी गांव है। वहां पर कुदरती तौर पे कूट की, अतीस, जदवार, चिरायता होते हैं, और जिनकी गुणवत्ता दुनिया में जो श्रेष्ठ मानी गई है वो केमिकली टेस्ट हो चुकी है। अब मेरी वहां पर जो डिमांड है कि जब वहां के किसान जड़ी बूटी लगाना चाहते हैं उनको लगाने के लिए पौध चाहिए, तो वहां पर एक नर्सरी चाहिए, नर्सरी लगाने के जर्म प्लांट चाहिए, बस इतनी सी डिमांड है। जड़ी बूटी उगाने वाले किसान वीर सिंह बताते हैं उनकी कमाई का साधन सिर्फ भेड़ बकरियां और आलू की खेती होती है, जिससे गुजर बसर बेहद मुश्किल होता था, लेकिन अब उन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत से कुटकी की खेती कर अपनी कमाई के नए रास्ते खोल दिए हैं। सर जी, ये बैद्य जी जब गंगी में आए थे तो बैद्य ने वहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा किया, बताया लोगों की अतीश, कड़ोई, कुटकी जो ये जड़ी बूटी होती हैं इनके बारे में लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो बैद्य जी जब पूछ रहे थे वहाँ पे कि अतीश का पौधा कितने दूर होता है यहाँ से, तो उसके लिए मैंने बोला बैद्य जी नजदीक होते हैं, तो बैद्य जी को मैं लेके गए वहाँ पे, इनको पौधा दिखाया, तब जाके इनको विश्वास आया कि दरअसल भी यहाँ पे अतीश की पौधे। तो कूट की जो ये खेती मैंने आज की है ये भी जो है बैद्य जी ने दिया, कुटकी की जो ये पौधा है ये जो है गोपेश्वर से बैद्य जी ने दिलाए। तो सरकार हमारे थोड़ा आर्थिक मदद करी तो हम और लोग भी इच्छुक है वहां पे लगाने के लिए। अब जैसे मेरे को तो बैद्य जी दे रहे हैं, अब बाकी लोगों को कौन देगा। पहाड़ों में अगर पलायन को रोकना हो तो सिर्फ भाषण और कागजी घोषणाओं से बात नहीं बनेगी, जरूरत है कुछ इसी तरीके के कदम की। जरूरत है पहाड़ों को समझने की, जहां रोजगार आमदनी की असीम संभावनाएं हैं। अगर सरकार किसानों को सस्ते बीज और पौध उपलब्ध करवाए तो आयुर्वेद टूरिज्म के लिए भी पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे, जिससे पलायन की समस्या का हल जरूर होगा।